अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, देन चांसेस आर के मोस्ट प्रोबेबली आप इस साल इस चैनल से जुड़े हैं. बट इफ़ यू गो टू द अबाउट सेक्शन ऑफ माई चैनल, आप देखोगे कि ये चैनल मैंने 2011 से बनाया हुआ है. एंड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ माई यूट्यूब चैनल, इट हैज़ बीन अ वेरी स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ. नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है, उसके लिए देर आर मैनी चैलेंजेस दैट आई हैव टू ओवरकम, और मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ उस चीज़ की. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन अभी चैनल जहाँ पे ऑलरेडी है वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आई हैव ऑलरेडी ओवरकम सो मैनी चैलेंजेस. तो मुझे लगता है जो कुछ भी मैं अभी तक सीखा हूँ, देर विल बी मैनी फ्रेंड्स, उनके साथ अगर मैं वो बातें शेयर करूँ तो उनके कुछ काम में आ सकती हैं. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट दैट. आई शेयर 8 थिंग्स दैट आई हैव लर्नड सो फार, जो शायद उन दोस्तों के काम में आ सकती है जो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब पे, बट फॉर सम रीजन और द अदर दे आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वेलकम टू माई चैनल. मेरा नाम है दर्शित नायक. मैं हूँ एक इंडिपेंडेंट सिंगर सॉन्ग राइटर, म्यूजिक एंड वीडियो प्रोडक्शन फ्रीलांसर अहमदाबाद गुजरात से. और इस चैनल पे हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं मेरी जर्नी ऑफ मेकिंग इट बिग इन म्यूजिक इंडस्ट्री विदाउट एनी गॉड फादर ऑन माई ओन. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट राइट इन टू टूडेज वीडियो. सबसे पहली चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये है कि डोंट वेट टू बी परफेक्ट. क्रिएटिविटी का नंबर वन दुश्मन जो है वो है परफेक्शन. और इस पॉइंट को मैंने सबसे ऊपर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं इतने अमेजिंग म्यूजिशियंस को जानता हूँ, इतने कमाल के सिंगर्स को जानता हूँ, जो कि बस वेट करते रह गए कि थोड़ा और इम्प्रूव कर लें उसके बाद वीडियो बनाएंगे, बेटर इक्विपमेंट्स ले लें उसके बाद वीडियो बनाएंगे, कहीं से कोई अच्छी प्रोडक्शन टीम हायर कर ले या फिर कोई उनको टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी उनको हायर कर ले जिससे वो हाई क्वालिटी वीडियोस बना सके, हाई क्वालिटी ऑडियो प्रोड्यूस कर सके. इस इंतज़ार में उन्होंने वो टाइम मिस कर दिया जबकि यूट्यूब पे ग्रो करना अभी के कंपैरिजन में काफ़ी ईजी था. और जो लोग अभी वेट कर रहे हैं, आई कैन गारंटी आप ये रिग्रेट करोगे कि अगर मैं 2 साल पहले वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देता, अपलोड करना स्टार्ट कर देता यूट्यूब पे, तो अभी मेरे को काफ़ी एडवांटेज मिल चुका होता. आई नो इट्स नॉट ईजी टू क्रिएट कंटेंट फॉर यूट्यूब, स्पेशली म्यूजिशियंस के लिए, क्योंकि आपको वीडियो के साथ साथ म्यूजिक प्रोडक्शन का भी ध्यान देना होता है. तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि किसी को हायर करें वीडियो शूट करवाने के लिए, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि किसी स्टूडियो में जाके अपने गाने रिकॉर्ड करवाएं, तो यू कैन ऑलवेज थिंक अबाउट डूइंग द नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट इवन आई कुड नॉट अफोर्ड दोज थिंग्स. शुरुआत की आप वीडियोज जाके देख लो. पहला वीडियो जो है वो मैंने वेबकैम में शूट किया हुआ है. उसके पहले जब वेबकैम भी नहीं था तो सिर्फ ऑडियो वर्जन डाले हुए हैं, और तब बहुत गालियां खाई हैं. लोग आके बोलते थे भाई क्यों गा रहा है, अपना वक्त वेस्ट कर रहा है, हमारा वक्त वेस्ट कर रहा है, तू बंद कर दे, तुझसे अच्छा तो हजारों लोग गा लेते हैं, हर गली में कोई ना कोई तुझसे अच्छा गा लेता है. इस तरह की बातें सुनी हुई हैं, बट दैट डिड नॉट डिटर मी फ्रॉम क्रिएटिंग एनी न्यू वीडियोज. सो द बॉटम लाइन इज, परफेक्ट होने का वेट ना करें, वीडियोज निकालते रहें और उसी प्रोसेस में अपने आप इंप्रूवमेंट आने लगेगा. सेकेंड पॉइंट आई वॉन्ट टू शेयर इज दैट इक्विपमेंट इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज यू थिंक. और ये फर्स्ट पॉइंट का एक्सटेंशन है, जैसा कि मैंने उसमें ऑलरेडी बताया कि अगर आप स्टूडियो अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप किसी को हायर नहीं कर सकते, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो. आपको यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे कमाल के आर्टिस्ट मिल जाएंगे जो कि बिना किसी फैंसी इक्विपमेंट के बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. और टेक्नोलॉजी आज की डेट में इतनी अफोर्डेबल हो चुकी है कि आप बिल्कुल ही लिमिटेड बजट में अच्छी क्वालिटी का आउटपुट ला सकते हो अगर आप थोड़ी मेहनत करो तो. और मैंने अपने चैनल पे भी काफ़ी सारे बजट ऑप्शंस रिकमेंड किए हुए हैं. फॉर एग्जांपल कि कैसे 10,000 से भी कम रुपए में आप अपना होम स्टूडियो सेटअप कर सकते हो और क्वालिटी ऑडियो आउटपुट ला सकते हो. तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, मैं उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाइए देखिए और स्टार्ट कीजिए ऑडियो रिकॉर्ड करना. थर्ड पॉइंट इज कि मनी शुड नॉट बी योर बिगेस्ट गोल. अगर प्राइमरी एम आपका यूट्यूब पे आने का पैसा कमाना है, तो आई एम सॉरी टू ब्रेक दिस टू यू, लेकिन बहुत ही जल्द आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा वीडियोस बनाने का. पहली बात यह कि ऑर्गेनिकली अगर ग्रो करना है तो सालों लग जाते हैं चैनल को उस लेवल तक लाते लाते जहाँ पे थोड़ी बहुत भी इनकम आना शुरू हो. और अगर पैसे लगा के आप अपने चैनल को प्रमोट करके आप ग्रो करते हो, तो वो जो इन्वेस्टमेंट लगता है चैनल को ग्रो करने का, उसे रिकवर करने में भी और ज़्यादा साल लग जाते हैं. तो स्टार्ट यूट्यूब चैनल ओनली इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग वीडियोज एंड क्रिएटिंग म्यूजिक. अदरवाइज 1 या 2 साल से ज़्यादा सर्वाइव करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. चौथा पॉइंट उन दोस्तों के लिए जो ऑलरेडी थोड़े बहुत वीडियोज बना चुके हैं और थोड़ी बहुत समझ रखते हैं यूट्यूब की. आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि क्रिएट एल्गोरिदम प्रूफ कंटेंट. एल्गोरिदम प्रूफ क्या होता है, जैसे कि बुलेट प्रूफ हो गया, वाटर प्रूफ हो गया, उसी तरह से एल्गोरिदम प्रूफ ये हैबिट लग जाना बहुत आसान है. आई हैव बीन अ विक्टिम माई सेल्फ कि यूट्यूब के एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करने के लिए ही सारे वीडियोज हम बनाए जा रहे हैं.
जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक हुआ उसको पकड़ के वीडियो बना दिया। स्पेशली कवर सॉन्ग्स की कैटेगरी में ये ट्रेंड बहुत ही अब्यूज हो चुका है एंड आई डोंट थिंक इट वर्क्स एज इफेक्टिवली एज इट यूज टू डू सम ईयर्स बैक। मेरे भी कुछ वीडियोस को इस चीज़ का डेफिनेटली फायदा हुआ है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वेन वी कीप ऑन ट्राइंग टू यू नो सेटिस्फाई द यूट्यूब एल्गोरिदम, उस चक्कर में हम कई बार क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं एंड वी एंड अप क्रिएटिंग वीडियोज दैट इवन वी वुड नॉट वॉन्ट टू वॉच आफ्टर 2-3 months। और यूट्यूब एल्गोरिदम तो टाइम टू टाइम अपडेट होता ही रहता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ स्ट्रेटेजी जो कि अभी काम कर रही है और 6 महीने बाद भी काम करती रहेगी। इसलिए रादर देन फॉलोइंग दैट ट्रेंड, ट्राई टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ कॉन्टेंट जो कि 5-6 साल बाद भी अगर कोई देखे तो उन्हें कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो। नेक्स्ट पॉइंट इज वेन इन डाउट क्रिएट। इंसानी दिमाग क्या गजब की चीज है। लाइक द मोमेंट यू डिसाइड कि अब मुझे कोई स्टेप लेना है, मुझे कोई क्रिएटिव चीज बनानी है, कोई गाना रिकॉर्ड करना है, कोई वीडियो बनाना है, तो जब प्लानिंग कर रहे होगे दिमाग में तब तो तरह तरह के आइडियाज आ रहे होंगे और एकदम पॉजिटिव फील हो रहा होगा। बट द मोमेंट यू डिसाइड कि अब मुझे स्टेप लेना है, तभी दिमाग में पीछे से आवाज आएगी कि वेट, क्या पता ये करने के बजाय दूसरी कोई चीज़ करे तो वो बेटर हो। कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा दिमाग में और हम लोगों से पूछते फिरेंगे अपने दोस्तों से कि यार ये गाना करना सही रहेगा कि वो गाना करना सही रहेगा, शायद मुझे थोड़ा रुक जाना चाहिए, शायद 2 महीने बाद कोई और अच्छा गाना आ जाए, मैं उस पर वीडियो निकाल लूँ। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अच्छे अच्छे लोगों के करियर इस चीज़ ने ख़त्म किए हैं। स्टीवन प्रेसफील्ड ने अपनी बुक द वॉर ऑफ आर्ट में, आर्ट ऑफ वॉर नहीं द वॉर ऑफ आर्ट नाम की बुक में, इस चीज़ को रेजिस्टेंस कहा है। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ हर उस इंसान को ये बुक जो कि किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड में है। मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा सो दैट नाम से आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क ऑन बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि हाईली सेंसिटिव लोग हैं। आई एम वन ऑफ देम, इसलिए मुझे पता है कि कितना मुश्किल हो सकता है वेन यू डिसाइड कि आप अपना काम पब्लिकली अपलोड करने वाले हो। और मैं ही नहीं, आप कोई भी आर्टिस्ट देख लो, वो इमोशनली काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। एक अटैचमेंट सा होता है अपने काम के साथ और सडनली कोई उस चीज़ को अब्यूज़ करे, यू नो तरह तरह की बातें बोलने लगे आपके बारे में जो आपको जानते तक नहीं है। मेनी पीपल डोंट शेयर दिस ओपनली बट दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वाई मेनी कॉन्टेंट क्रिएटर्स रियली हेजिटेट टू डू वॉट एवर दे एक्चुअली वॉन्ट टू डू। और ऑनलाइन ट्रोल करने वाले लोग और अब्यूज़ करने वाले लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, वो दिन ब दिन बढ़ते ही रहने वाले हैं एज योर चैनल ग्रोज। सो उन्हें हम रोक तो नहीं सकते, हमें अपने आप को ही इतना स्ट्रांग बनाना पड़ता है, हमें अपने अंदर ही अपने दिमाग के अंदर ही एक मेंटल बैरियर क्रिएट करना पड़ता है। और ये चीज़ अपने आप नहीं हो सकती है, वी नीड अ टेक्निक, वी नीड अ रिचुअल, सम सॉर्ट ऑफ थिंग जो कि हमें वो गोल अचीव करने में हेल्प करे। फॉर मी पर्सनली इट इज़ मेडिटेशन। आई गो फॉर विपस्सना एवरी ईयर, आई डू मेडिटेशन एवरी डे। उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ एंड आई एम सॉरी मैं हर पॉइंट के बाद आपको डाइवर्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो के बाद आप इधर चले जाइए उधर चले जाइए, बट देयर इज सो मच दैट आई वॉन्ट टू स्पीक एंड एक वीडियो में सब कवर कर पाना मुश्किल है। सो हाँ, जो विपस्सना के ऊपर वीडियो बनाया है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। नेक्स्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ऑल वीडियोज डोंट गो वायरल। सभी वीडियोज पे लाखों व्यूज आना पॉसिबल नहीं है ऑर्गेनिकली। हाँ, अगर आप किसी YouTube नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हो, आप किसी एजेंसी के साथ जुड़े हुए हो जो आपके चैनल मैनेज करती है, या फिर आपने डायरेक्टली किसी को हायर किया हुआ है मार्केटिंग के लिए और वो आपके वीडियोस प्रमोट कर रहे हैं जिसके ऊपर आप बजट स्पेंड कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप उस तरह के चैनल्स देखोगे जिनके ऑलमोस्ट हर एक वीडियोस पे लाखों में व्यूज़ होते हैं। ऑर्गेनिकली दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। इसलिए मैं नहीं चाहता कि लोग दूसरे लोगों की चैनल को देख के अपना अंदर ही अंदर दिल जलाते रहें कि यार मेरे वीडियोस शायद उस लायक नहीं है, शायद मुझ में उतना टैलेंट नहीं है, और उस वजह से अपना काम करना बंद कर दें कि व्यूज़ नहीं आ रहे। आप दुनिया के बड़े से बड़े चैनल देख लीजिए। एक जो कि मैं पर्सनली बहुत एडमायर करता हूँ जिनको, वो है गैरी वेनरचक। He is completely relying on organic growth right now. और आप उनके चैनल पर जाके देख लो, millions में है सब्सक्राइबर्स बट देर आर videos जिन पे व्यूज़ हज़ारों में होते हैं एंड दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। इसलिए आप स्पेशली म्यूजिशियंस के केस में ऐसा काफ़ी है, बड़े बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके हर एक वीडियो पे लाखों में millions में व्यूज़, अपलोड करते ही दूसरे दिन million views हो जाते हैं। दैट इज़ नॉट अ ऑर्गेनिक थिंग। और उस चीज़ को देख के अगर आपको डीमोटिवेशन होता हो सो बी रेस्ट अश्योर्ड कि वो ऑर्गेनिक नहीं है और उस चीज़ की वजह से आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही तरीका नहीं है YouTube पे सक्सेसफुल होने का, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, रेगुलरली क्वालिटी कंटेंट आप अपलोड करते हैं, तो चांसेस हैं कि आज नहीं तो कल आपका चैनल डेफिनेटली रिकग्नाइज होगा। और जब एक बार एक या दो वीडियो वायरल चले जाते हैं
और आपने पहले काफ़ी अच्छी क्वालिटी के वीडियोस बनाए हुए हैं, तो एक वीडियो के वायरल चले जाने से आपके पूरे चैनल को बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि मेरा एक वीडियो अब मिलियन व्यूज़ पे पहुंच गया, उसके बाद तुरंत दूसरा वीडियो है उसके 10,000 व्यूज़ भी नहीं आते और आपको डिप्रेशन हो गया, तो इस तरीके से बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाना यूट्यूब पे, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। और अगर पेड प्रमोशन की लत हमें एक बार लग गई तो फिर कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि वी विल नॉट हैव इनफ फंड्स टू डू पेड प्रमोशन, और तब अगर वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो फिर डिप्रेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि पहले मेरे सभी वीडियोस पे लाखों में व्यूज़ हैं और अभी देखो 1,000-2,000 व्यूज़ भी आना मुश्किल है। और आप देखो जिस तरह से इंस्टाग्राम इज़ वर्किंग टूवर्ड्स हाइडिंग द नंबर ऑफ लाइक्स, हो सकता है इस तरह के चेंजेस यूट्यूब भी फ्यूचर में ले आए। तो फिजूल में उस डायरेक्शन में अपना दिमाग ख़राब करने के बजाय फोकस ऑन क्रिएटिंग क्वालिटी कॉन्टेंट जो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करें। एंड माई लास्ट पॉइंट इज अपलोड मोर टू ग्रो बिग। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा के देख लो, अभी सभी का टारगेट यही है कि किस तरह से ज़्यादा रिटेंशन पाया जाए ऑडियंस का, और YouTube इज़ नॉट डिफरेंट। और एक और चीज़ ये भी अप्लाई करती है कि हम जिस भी चीज़ के पीछे जितना फोकस लगाते हैं, पढ़ाई हो, म्यूज़िक हो, जो भी हो, हम जितना टाइम उस चीज़ को देंगे सामने हमें रिटर्न उतना ही मिलेगा। तो अगर हम YouTube पे ग्रो करना चाहते हैं और हम ये सोच रहे हैं कि 2-3 महीने में एक वीडियो निकाल लेंगे और चैनल ग्रो कर जाएगा, वो दिन कब के बीत गए। अभी का जो सिनेरियो है उसमें यू हैव टू अपलोड कंटेंट कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड करने का एक मेजर प्लस पॉइंट ये भी है कि जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें वीक में 2 वीडियो निकालने हैं, 3 वीडियो निकालने हैं, जो भी आप रैंडम नंबर अपने दिमाग में सोच लो, तो ऑटोमेटिकली अपना दिमाग जो है उस डायरेक्शन में काम करना, सबकॉन्शियसली उस डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देता है और नए नए आइडियाज़ जनरेट होने लगते हैं। और वो जो प्रेशर होता है दैट फोर्सेस यू टू बी मोर क्रिएटिव एंड कम अप विथ मोर वेराइटी ऑफ कॉन्टेंट। ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करने का एक और प्लस पॉइंट ये भी है कि जैसा मैंने पहले पॉइंट में कहा, वायरल सभी वीडियोज़ नहीं जाएंगे, तो जब हम ज़्यादा वीडियोज़ बनाते हैं सो आर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल वीडियो ऑल्सो इंक्रीजेस। तो मान लो आपका एवरेज ये है कि 10 में से एक वीडियो ऐसा निकलता है जो सक्सेसफुल जाता है, और पहले आपकी फ्रीक्वेंसी थी कि आप 1-1.5 महीने में एक वीडियो निकाल रहे थे, तो आपको सबसे बड़ा डाउनसाइड ये हो जाएगा कि साल में बस एक ही वीडियो ऐसा निकलने वाला है जो कि जेन्युइनली सक्सेसफुल होगा। उसके बजाय अगर आप महीने में 10-12 वीडियोस निकालते हो, द चांसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड परफॉर्मिंग वीडियोस इंक्रीजेस बाय 10 times। और वैसे एक वीडियो का फायदा आपके बाकी वीडियोस को भी होता है जो कि इनिशियली इतना ट्रैक्शन नहीं ला रहे थे आपके चैनल पे। एक वीडियो क्लिक करता है और आपके चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारा अगर कॉन्टेंट हो तो ऑडियंस डेफिनेटली चेकआउट करती है, और अगर सभी में आपने क्वालिटी प्रोवाइड करी हो तो स्लोली एंड स्टेडीली आपका चैनल गारंटीड वे में ग्रो करेगा। सो आई होप आपको ये पॉइंट्स काम के लगे हों, इनको इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए। इनका कुछ भी फायदा नहीं है अगर इनको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए इट्स गुड बाय फ्रॉम मी। बी गुड, डू गुड, सेरेंडिपिटी विल फॉलो।